student. My name is Mehak. Today we will measure frequency of AC mains using sonometer. तो सोनोमीटर, सबसे पहले हम देखेंगे कि सोनोमीटर को सोनोमीटर ही क्यों कहा जाता है. तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में सोनोमीटर जो वर्ड है वो दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है. तो वो है सोनो प्लस मीटर. तो सोनो का जो मतलब है वो है साउंड से, और मीटर का मतलब मेजर करना. यानी सोनोमीटर में हम साउंड को मेजर करते हैं और उसी साउंड का मेजर करके हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस फाइंड आउट करते हैं. इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है, इसमें इसको जो हम बोल रहे हैं, इस बेंच को जो बोल रहे हैं, उसे सोनोमीटर बोल रहे हैं. और इस एक्सपेरिमेंट में हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फाइंड आउट करनी है. यानी जो एसी मेंस हमें सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है यूजिंग सोनोमीटर एंड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो सोनोमीटर में सबसे पहले तो हमें ये बेंच दिया हुआ होता है, जिसको हम मेजरिंग बेंच या मेजरिंग स्केल भी बोल सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको स्केल दिया गया है. तो ये सेंटीमीटर का स्केल है. तो यहाँ से आप इन वेजेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो दो वेजेस दिए हुए हैं, तो इन दो वेजेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दो स्केल दिए हुए हैं. हम उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट ये रही. इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कनेक्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करना, यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ हम इसीलिए कर रहे हैं, जैसे हमें पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को डिक्रीज करके हमें देता है. अगर यहाँ पर वोल्टेज आप यूँ के यूँ ले लें, अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करेंगे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ ना करके एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मिली, तो ये बर्न हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. दूसरा, वो वोल्टेज जो इतनी ज़्यादा सप्लाई हो रही है वो हमारे लिए भी डेंजरस है. तो इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगी हुई होती है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक पोल है जो कि आयरन का रोड है. आयरन के रोड के ऊपर हम कॉपर की वायर्स को वाउंड करते हैं. और कॉपर की वायर को ही वाउंड क्यों किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर? सबसे पहली बात कि जो कॉपर की वायर है उसे हम इजीली शेप दे सकते हैं, इसीलिए हम उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको रैप करने के लिए. दूसरा, कॉपर जो है, कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेसिस्टेंस जो है वो बहुत कम है. अगर रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब करंट जो है उसमें से इजीली पास कर सकता है, इसीलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में. यहाँ पर साइड में आपको एक पुली दी गई है, और ये पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली है, और इसी पुली के साथ में हमने एक वेट को लटकाया हुआ है. तो सोनोमीटर में हम जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी का हम रिलेशन देखते हैं इस वेट की वजह से जो स्प्रिंग में टेंशन है उससे, उसका, और इस वायर में जितना भी मास है उसका, और इन दो वेजेस के बीच में जितनी भी लेंथ है उसका रिलेशन. यानी कि अब यहाँ पर हम जो देखते हैं फ्रीक्वेंसी, उसका हम रिलेशन देखते हैं विथ टेंशन टी स्मॉल एम, वेयर एम इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. टेंशन का, मास का, और इन वेजेस के बीच की लेंथ का हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखते हैं इस सोनोमीटर में. अब हम वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ वर्किंग हो रही है. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने कनेक्ट कर दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करते ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उस पर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा. करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो जैसा हमें बाहर से एसी मिल रही है, तो उस एसी की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटाइज होगी और डीमैग्नेटाइज होगी एक साइकिल में, करंट के एक साइकिल में. जैसे हमें पता है कि जो एसी है वो कुछ इस तरीके की शेप का फॉलो होता है, इस कर्व को फॉलो करता है एसी.
तो इस करंट के एक साइकिल के अंदर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो रही है और डीमैग्नेटाइज हो रही है। तो इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन की वजह से जो ये वायर है, जो सोनोमीटर पे हमने वायर लगाई हुई है, ये आयरन की वायर है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये आयरन वायर है वो अट्रैक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। और जैसा हम फाइंड देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी टेंशन मास और लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो है 1/2L√T/m। फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी है कि सोनोमीटर में जो वायर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका है ये। और जैसा मैंने आपको बोला कि जैसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन शुरू हुआ, और एक साइकिल में एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल में जो ये वायर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से 2 बार अट्रैक्ट होती है। 2 बार अट्रैक्ट क्यों? एक तो इस साइकिल की वजह से इस साइकिल में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो इस साइकिल की वजह से एक बार जो ये वायर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हुई। दूसरी बार जैसे ही ये नीचे वाला कर्व शुरू हुआ, सेकंड हाफ में, साइकिल के सेकंड हाफ में दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है, और उस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो ये वायर है वो अट्रैक्ट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो इसका मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में जो ये वायर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से 2 बार, टोटल 2 बार अट्रैक्ट होती है। और इसी वजह से अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो वो एसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी की हाफ हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो सोनोमीटर की हम यहाँ लिख रहे हैं वो इस वायर की फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, और ये वायर उस अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल से 2 बार अट्रैक्ट हो रही है, तो इसीलिए एसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाफ हो जाएगी सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी से। और वो फाइंड आउट अगर हम करें तो वो बन जाता है 1/4L√T/m। तो ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का। अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सेटअप है सोनोमीटर का, और सोनोमीटर की ये वायर जो है, जो कि हम आयरन वायर जिसको कह रहे हैं, ये आयरन की वायर है, तो इस आयरन वायर के ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो वायर से 2 या 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ हो। जैसा आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को वायर के ऊपर एडजस्ट कर दिया, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये 2 वेजेस के सेंटर में लाई करें। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन 2 वेजेस के सेंटर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को अलाइन किया हुआ है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ेंगे और वहाँ से पावर सप्लाई ऑन करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर सप्लाई मिलेगी और ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उसी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से इस आयरन वायर में एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। तो हमें वही वाइब्रेशन नोट करनी है कि 1 सेकेंड में वो कितने रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट को ट्रांसफार्मर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम सेट कर चुके हैं, इसके बाद इस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर हमने एक वेट डाला हुआ है, जो ये वेट है वो 500 ग्राम का वेट है। तो हम हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसमें वेट ऐड करते रहेंगे, और वेट ऐड करते करते हम देखेंगे कि इन वेजिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो वेजिस के बीच का वो डिस्टेंस मेजर करना है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इस वायर में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, यानी जहाँ पर आपको वाइब्रेशन की साउंड जो है वो मैक्सिमम सुनाई दे, वो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की पोजिशन होगी। तो हमें हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में इस वेट में वेट ऐड करते रहना है, और हमें वेजिस के बीच का डिस्टेंस नोट करना है जहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई। तो अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट कर दिया, वहाँ से हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। पावर सप्लाई करने के बाद
हमने ट्रांसफार्मर को ऑन किया। ट्रांसफार्मर को ऑन करने के बाद अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर सप्लाई मिलना शुरू हो गया। तो इसकी टेबल जो है वो इस तरीके से है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग लोड मास एम जो है, हम कितना लोड यहाँ अभी ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए हमने रखा है यहाँ पर 500 ग्राम। तो 500 ग्राम के लिए जो टेंशन जो इस स्ट्रिंग में इस वायर में जो टेंशन क्रिएट होगी वो एम इंटू जी की वजह से होगी, क्योंकि हमने वेट लटकाया हुआ है। तो यहाँ पर टेंशन इस 500 ग्राम की वजह से जो हो जाएगी वो 500 × 980 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर दो तरीके की लेंथ मेजर करनी है। एक तो जब लेंथ जो है वो इंक्रीजिंग हो, यानी कि इन वेजेस का बीच का डिस्टेंस जो है, इन वेजेस के बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं, और उस डिस्टेंस को मेजर करें जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम हो। उसके बाद यहाँ लेंथ डिक्रीजिंग में हम वो वाली लेंथ मेजर करेंगे जब हम वेजेस को एक दूसरे के करीब लेकर आ रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, और डिस्टेंस कम करने के बाद हम ये मेजर कर रहे हैं कि किस डिस्टेंस के ऊपर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो हो रही है। तो हमें अब ये लेंथ मेजर करनी है। तो हमने यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करके अब सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग लेंथ के लिए देखनी है। तो हमने इन दोनों को वेजेस को हम एक दूसरे के पास ले आए, और पास लेकर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की साउंड है वो, लेकिन वो बहुत कम है। हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की पोजिशन चाहिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका मतलब जहाँ पर साउंड जो है वो मैक्सिमम हो। जैसा मैंने आपको बोला कि सोनोमीटर को हम सोनोमीटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर हम साउंड को मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उसी साउंड को मेज़र करना है जहाँ पर सबसे मैक्सिमम साउंड आए। तो अगर मैं इन वेजेस के डिस्टेंस को इंक्रीज करूँ, तो मैंने दोनों को हिलाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम साउंड है जो मुझे सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब वेजेस के इन डिस्टेंस के साथ में, इस डिस्टेंस के ऊपर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ से मैं इसे मेज़र करती हूँ। तो मेज़र करके मुझे दिख रहा है कि जो ये वाला वेज है वो 33 डिस्टेंस के ऊपर है, और यहाँ पर ये 59.5। तो जो लेंथ हो जाएगी इंक्रीजिंग लेंथ में, हम लिखेंगे 59.5 − 33। तो ये हो जाएगी इंक्रीजिंग लेंथ। तो ये आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिल गई। अब हमें क्या करना है कि अब डिक्रीजिंग लेंथ के लिए, अब हम वेजेस को थोड़ा दूर ले जाते हैं। वेजेस को दूर ले जाने के बाद अब हम इनके बीच के डिस्टेंस को कम करेंगे, और कम करके हमें वो डिस्टेंस मेज़र करना है जहाँ पर दोबारा से हमें साउंड जो है वो मैक्सिमम मिले। तो अब हमें इनको एक दूसरे के करीब लेकर आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस डिस्टेंस से और पास लेकर आऊँ तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, यानी कि साउंड कम हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी जहाँ मैक्सिमम साउंड हो। तो हम दोबारा से इसे शुरू करें। तो ये है वो पोजीशन जहाँ पर आपको मैक्सिमम साउंड मिल रही है। पोजीशन को अगर मैं दोबारा नोट करूं, ये लेंथ डिक्रीजिंग की पोजीशन है। तो यहाँ पर इस वेज का जो डिस्टेंस है वो 33.5 है, और यहाँ पर ये वाला जो वेज है वो 60.4 पर है। तो 60.4 − 33.5 इज द लेंथ। तो ये हुआ 500 ग्राम के लिए। अब मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि हर एक इंस्टेंट पे हम 500 ग्राम इसमें मास को ऐड करते रहेंगे, तो अब 500 ग्राम के बाद अब मैं 500 ग्राम का एक और वेट इसमें डाल देती हूँ, और इस वेट के लिए मुझे दोबारा से यही काम करना है। तो इस तरीके से मुझे वेट तब तक बढ़ाना है जितना कि इसकी इलास्टिसिटी है, यानी कि जब तक जितना वेट ये वायर बियर कर सकती है हमें उतना ही वेट डालना है। तो हमारी जो वायर है वो 2.5 kg तक का वेट जो है वो बियर कर सकती है। तो मुझे अब इस हैंगर में 2.5 kg तक के वेट को ऐड करना है। तो अभी 500 ग्राम था, तो अब मैं 500 ग्राम वेट को और ज़्यादा डाल देती हूँ। तो
तो 500 ग्राम वेट के बाद मैंने 500 ग्राम वेट और ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास टोटल 1000 ग्राम वेट जो है हो गया, इस हैंगर में ऐड हो गया। तो इस 1000 ग्राम वेट के लिए जो टेंशन आ जाएगी वो 1000 मल्टीप्लाई 980 हो जाएगी, और अब हमें दोबारा से वही काम करना है जैसा हमने फर्स्ट वाले ग्राम वेट के लिए किया। तो एक बार लेंथ इंक्रीजिंग देखना है और एक बार लेंथ डिक्रीजिंग देखना है। तो लेंथ इंक्रीजिंग में हम उन दोनों वेजेस को पास से दूर लेकर जा रहे हैं, यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस को हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं अगर इस पोजिशन पर इन वेजेस को ले आऊँ, इस पोजीशन के बाद अब मुझे इनकी पोजीशन को इंक्रीज़ करना है, इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है, और मुझे वो पोजीशन नोट करनी है जहाँ पर मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिले। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये वाली पोजीशन है जहाँ मुझे मैक्सिमम वेट मिल रहा है, मैक्सिमम साउंड मिल रही है सॉरी। तो हम इस पोजीशन को अब नोट करेंगे, इस पोजीशन को नोट करेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो ये वेज है, ये वेज 28.3 पोजीशन पे पड़ा है। तो 28.3, और ये वाली वेज की जो पोजीशन है वो है 64.7। अब उसी तरीके से हमें लेंथ डिक्रीजिंग देखनी है। तो लेंथ डिक्रीजिंग के लिए मैं इन दोनों वेजेस को एक दूसरे से दूर ले जाती हूँ, उसके बाद इनकी डिस्टेंस को मुझे कम करना है, और कम करके वो पोजीशन नोट करनी है जहाँ पर मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, साउंड सबसे ज़्यादा है जहाँ। तो अब मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करती हूँ। तो देखिए ये पोजीशन है जहाँ पर मुझे मैक्सिमम साउंड मिल रही है। तो ये हो गई लेंथ डिक्रीजिंग। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप लेंथ इंक्रीज और लेंथ डिक्रीज करते हैं तो आपकी L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आनी चाहिए, और इनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर L1 और L2 की रीडिंग्स के बीच में गैप या डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आप गलत रीडिंग नोट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने 1000 ग्राम तक का काम कर लिया। अब इसमें हम फिर से 500 ग्राम वेट को ऐड करेंगे। तो 500 ग्राम को ऐड करके तो हमारा जो टोटल बन जाता है वो 1500 ग्राम बन जाता है। तो 1500 ग्राम के लिए हमने वो रीडिंग्स ले ली हैं। तो L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू हमने ले ली, और उसी तरीके से हर एक बार हमने 500 ग्राम मास उसमें डाला है जब तक कि वो 2.5 kg तक ना हो जाए। तो हमने 200 ग्राम के लिए और 2500 ग्राम के लिए भी रीडिंग्स ले ली हैं, और वो रीडिंग्स कुछ इस तरीके से हैं। और उन रीडिंग्स की कैलकुलेशन करके हमने फेयर कर दिया, और वो जो रीडिंग्स आ रही हैं वो ये हैं। तो 500 के लिए, 1000 के लिए, 1500 के लिए, 2000 के लिए और 2500 के लिए आप देख सकते हैं कि L1 की वैल्यू 26.5 थी तो L2 26.9 था। जैसा मैंने आपको बोला कि L1 और L2 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। आप हमारी रीडिंग्स में देख सकते हैं कि जब 500 ग्राम वेट था तो 26.5 L1 और 26.9 L2 था, और वैसे ही 1000 ग्राम के लिए जो L1 की वैल्यू थी वो 36.4 और L2 की वैल्यू 36.2। उसी तरीके से सारे रीडिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने उसका मीन निकाला, इन दोनों लेंथ के मीन को निकाल के हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं लेंथ की वो ये आई हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है 1/4L मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर T/M। इन दिस फॉर्मूला L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेजिस, एंड T इज़ द टेंशन इन द वायर, एंड M इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। यानी जो वायर हम ये ले रहे हैं, जो आयरन की वायर हमने सोनोमीटर के ऊपर लगाई हुई है, इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ क्या है। जो हम यहाँ पर वायर ले रहे हैं उसका जो मास, जो इसका लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये वाली वायर जो है वो 100 सेंटीमीटर लंबी वायर है, और इस वायर का हमने वेइंग मशीन पर वेट किया तो उससे हमें फाइंड आउट हुआ कि जो उसका मास है वो 1.8 ग्राम है। तो यहाँ से हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाली, तो मास पर यूनिट लेंथ निकली 1.8 डिवाइड बाय 100, जो कि है 0.018 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो अब जो इस फॉर्मूला में हमें यहाँ एम दिया हुआ है तो वो हमें 0.018 डालना है, क्योंकि हमारी जो वायर है उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो 0.018 ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो वैसे ही हमने इस फॉर्मूला में सबकी सब वैल्यूज पुट करी। तो लास्ट में जब हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस निकालनी है तो इस फ्रीक्वेंसी, इन
पांच की पांचों फ्रीक्वेंसी का हमने मीन ले लिया और मीन निकालने के बाद जो वैल्यू निकली है फ्रीक्वेंसी की वो आती है 50.158 हर्ट्ज। यानी सोनोमीटर्स में से हमने जो मेज़र किया एसी की फ्रीक्वेंसी वो 50.158 हर्ट्ज है और एक्चुअल वैल्यू जो है एसी की फ्रीक्वेंसी की वो 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ से हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट किया तो वो परसेंटेज एरर 0.3% आता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि सोनोमीटर से कितना एक्यूरेटली हम एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सोनोमीटर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।